नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भितरवार पिछले रोज बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए प्रदेश के पूर्णकालिक बजट में भितरवार विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय भाजपा विधायक श्री मोहन सिंह राठौड़ जी की पहल पर लंबे समय से बदहाल चली आ रही सड़कों के निर्माण की मांग रखी गई थी, जिस पर वर्ष 2024-25 की जारी बजट में भितरवार विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए 56.88 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिस पर भाजपा विधायक श्री राठौड़ जी ने बजट में विधानसभा क्षेत्र को सड़कों के रूप में दी गई है। सौगात पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एवं प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी का क्षेत्र की जनता की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भीतरवाद विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़कों की हालत सुधारने के लिए 56.88 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है, जिसके संबंध में क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री मोहन सिंह राठौर जी ने जानकारी देते हुए बताया कि 84 आंतरी इराया कछौवा बड़की सराय छीमक के सड़क मार्ग के लिए 45 करोड़, करहिया से दुबई मार्ग निर्माण के लिए 1.89 करोड़, बनिया तोर पहुंच मार्ग के लिए 1.68 करोड़, डबका पहुंच मार्ग 1.85 करोड़, सिमरिया पहुंच मार्ग के लिए 1.26 करोड़, डांडा खेड़क भमरपुरा मद्दा खो सड़क मार्ग के लिए 1 करोड़, जनकपुर से संदलपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.26 करोड़, बरौवा से कल्लू का पूरा मार्ग के लिए 1.50 करोड़, चरखा से नहर की पुलिया मार्ग के सड़क निर्माण कार्य के लिए 1.50 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान बजट में किया गया। मैं आज जो जनहितैषी बजट प्रस्तुत जो हुआ है, उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे परिवार के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और केंद्रीय मंत्री और माननीय राकेश सिंह जी, जिन्होंने के लोक निर्माण विभाग का मंत्री का कार्यभार बखूबी जो निभा रहे हैं, मैं सभी को भितरवार क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं जनसेवक मोहन सिंह राठौड़ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने 84 से एराया कछुआ बड़की सराय मार्ग के लिए 45 करोड़ रुपया हमें दिया है और 24 किलोमीटर की ये रोड है हमारी। जनकपुर टेकनपुर संदलपुर 2.5 किलोमीटर की रोड के लिए 1.26 करोड़ रुपया, बरुआ से कल्लूपुरा मार्ग जो करीबन 1.5 किलोमीटर है और उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया हमें दिया है, चरखा नहर की पुलिया के लिए 1.5 करोड़ रुपया दिया है, करहिया से दुबई मार्ग के लिए 1.89 करोड़ रुपया, बनिया तोर पहुंच मार्ग के लिए बहुत आवश्यक ये रोड था हमारे लिए, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति समाज के और अन्य समाजों के लोग निवास करते हैं, 1.68 करोड़ रुपया, डबका पहुंच मार्ग के लिए 1.85 करोड़ रुपया, डाणा खिराक भमरपुरा मद्दा को आश्रम जहां हजारों दर्शनार्थी प्रतिवर्ष जाते हैं वहां की रोड के लिए 1.01 करोड़ रुपया, और इसी प्रकार अन्य जो हमारी छोटी छोटी रोड हैं उनके लिए 1.50 करोड़ रुपया, इस प्रकार 56.88 करोड़ रुपया जो भितरवार को सौगात दी है। और 20 वर्षों में ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व से मिला है, इन 6 महीनों के 180 दिनों में हमने जो प्रयास किए हैं विभिन्न विभागों में भितरवार को 20 साल पिछड़ने के बाद मुख्य धारा में जोड़ने के, उस प्रयासों की सफलता मिली है और आज हम भितरवार के और भी जो शेष रोड बचे हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी जो व्यक्तिगत चर्चा हुई उसमें भी माननीय राकेश सिंह जी ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में शीघ्र ही आपकी वो सारी समस्याएं हल होंगी, कोई गांव हमारे क्षेत्र का ऐसा नहीं छूटेगा कि जिसमें आम जनता सगुन से अपने घर ना पहुंच पाए। मैं पुनः सभी वरिष्ठ नेतृत्व को, माननीय मोदी जी को, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के लिए दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भितरवार क्षेत्र की जनता की ओर से, मेरा धन्यवाद और स्वीकार करें, और सभी जनता की ओर से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भाजपा, विजय भाजपा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।